हो गया सबका। तुम्हारा नहीं आ रहा सूजन? ठीक है डन। जिन लोगों की रिकॉर्डिंग हो जाए तो मेरे को भेज देना होगा। चलो अब फटाफट काम। अभी किसका बाकी है? दीप, तुम्हारा नहीं हो सकता। वैद्य, जे, प्रांशु, तुम्हारा भी नहीं हो सकता। कुसमित, तुम्हारा भी नहीं हो सकता। ठीक है चलो। हाँ तो मैं वापस से एक बार बता रहा हूँ ये चीजें ना। तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, तो प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो जैसे कि हमारे पास में जैसे ओरिजिनल अपने एक्स एंड वाई डायरेक्शन थे जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल करते थे, नाउ इंक्लाइंड प्लेन आ गया अपने पास जो कि इंक्लाइंड है एट एन एंगल बीटा फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल पे इंक्लाइंड है वो, और इसको मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ एक्स डैश। ठीक है, तो एक्स डैश इज इंक्लाइंड विद एन एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से वो बीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। अब ऐसे एक्स डैश के परपेंडिकुलरली मैं एक वर्टिकल प्लेन ले रहा हूँ, दैट इज वाई डैश, जो कि एक्स डैश से वाई 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो ये हो गया न्यू वर्टिकल डायरेक्शन। ये अपना हो गया न्यू वर्टिकल डायरेक्शन। तो न्यू वर्टिकल डायरेक्शन में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वाई डैश, और एक्स डैश बात कर रहे हैं हम न्यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज इंक्लाइंड सरफेस। अगर मैं एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करता हूँ यू स्पीड से एट एन एंगल अल्फा विद दी न्यू हॉरिजॉन्टल सरफेस, अल्फा इज द एंगल विद द न्यू हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो यू कोस अल्फा इज द हॉरिजॉन्टल स्पीड एंड यू साइन थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द न्यू वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो यू कोस अल्फा एंड यू साइन अल्फा अपने पास में, ये जैसे हम एज इट इज करते थे किसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन में, अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वर्टिकल डायरेक्शन, सेम हम नए वर्टिकल डायरेक्शन और नए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ में इनके कंपोनेंट ले लेंगे। अब बात आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चाहे मैं इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन करूं या फिर मैं नॉर्मली हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्रोजेक्शन करूं, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। बट अगर मुझे कोई भी इक्वेशन लिखनी है जैसे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो वो एक मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में लिख सकता हूं अगर मुझे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पता हो तो। तो ये अब पहले तो मुझे एंगल निकालना पड़ेगा, ये एंगल बीटा है तो ये वाई डैश के जस्ट अपोजिट में माइनस वाई डैश ये आ गया। ये माइनस वाई डैश और एक्स डैश भी एंगल कितना बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे यहाँ पे। तो ये 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री इज द एंगल बिटवीन द एक्स डैश एंड न्यू वाई डैश, मतलब माइनस वाई डैश के बीच में। तो अगर एंगल बीटा ये है तो ये एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस बीटा। अगर ये एंगल 90 माइनस बीटा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ये माइनस वाई डायरेक्शन में है, तो ये एंगल कितना बचेगा, ये एंगल बीटा बचेगा, क्योंकि ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस बीटा माइनस कर देंगे 90 में से, तो बीटा एंगल बचेगा। अब इस जी के कंपोनेंट में इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ और जी के कंपोनेंट में एक इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, तो जी का एक कंपोनेंट इधर लूंगा तो जी कोस बीटा दैट इज इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, जो कि नया वाला वाई डायरेक्शन वाई डैश बोलना चाहिए। तो ए वाई डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस जी कोस बीटा। ऐसे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट अगर मैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लूंगा तो उसका कितना आएगा, उसका आएगा जी साइन बीटा आएगा, और माइनस जी साइन बीटा क्यों लिखा है, ए एक्स डैश इक्वल्स टू, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग है। तो हमने ये सारी चीजें देख ली, अब मुझे क्या करना है इनको, यहाँ पर अलोंग एक्स डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक्स डायरेक्शन मतलब न्यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है एक्स डैश,
तो ax हो गया माइनस जी साइन बीटा, ऐसे यू एक्स डैश है वो कितना होगा, वो हमें पता है u cos अल्फा है। तो यहाँ से मुझे पता है कि एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे x ये काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, जिसमें मुझे पता है कि वी एक्स टी या फिर मुझे वी एक्स डैश अगर मुझे पता करना है तो ये क्या लिखूंगा, वी एक्स डैश इक्वल्स टू यू एक्स डैश प्लस ए एक्स डैश इनटू टी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यू एक्स डैश की वैल्यू कितनी है, यू कोस अल्फा प्लस ए एक्स डैश माइनस जी साइन बीटा इनटू टी, समझे। उस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन yes, में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती थी और वो हमेशा कितनी होती थी, यू कोस थीटा। बट इस यहाँ इंक्लाइंड वाले केस में इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, नहीं, क्योंकि टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो आ गया वहां पे, दैट इज माइनस जी साइन बीटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक कंपोनेंट है माइनस जी साइन बीटा, वो अपोजिट टू द इंक्लाइंड सरफेस में आ रहा है, तो ये उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करता रहेगा। पहला एक ही आ गया। दूसरा चीज है एस एक्स डैश, ये कितना होगा, ये हो जाएगा यू एक्स डैश टी प्लस हाफ ए एक्स डैश टी स्क्वायर। सेम चीज है, बस मेरे को सिंबल ही रखने हैं। तो यू एक्स डैश की जगह मैं लिख दूंगा यू कोस अल्फा, ठीक है, इनटू टी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस हाफ ए एक्स डैश कितने हैं जी साइन बीटा, ठीक है, इनटू टी स्क्वायर। तो ये मेरे पास में इक्वेशन आ गई एस एक्स डैश। ऐसे ही अगर मुझे वी एक्स डैश स्क्वायर अगर मुझे लिखना है तो मैं यू एक्स डैश स्क्वायर प्लस टू ए एक्स डैश एस एक्स डैश लिख सकता हूँ। ये तीसरी क्वेश्चन आ गई, समझ गए। अब मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या मुझे एस एक्स डैश जीरो करना पड़ेगा या एस वाई डैश जीरो करना पड़ेगा? एस वाई डैश, एस वाई डैश। टाइम ऑफ फ्लाइट तो हवा के लिए निकाला जाता है ना, कि हवा में कितनी देर है पार्टिकल, एस एक्स डैश का तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये एस एक्स डैश देगा क्या, sx डैश क्या देगा, रेंज रेंज रेंज। तो ये हमें क्या देगा, रेंज रेंज। और रेंज के लिए मुझे क्या चाहिएगा, sx डैश मुझे कब मिलेगा, टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिएगा मेरे को। तो मैं वापस से अब सेकंड उसमें आ जाता हूँ, सेकंड कौन सा है अपना, इसमें अलोंग y डैश डायरेक्शन। अब मैं अलोंग वाई डैश डायरेक्शन में आ गया तो मुझे पता है ए वाई डैश कितना है, ए वाई डैश क्या, माइनस जी कॉस बीटा, माइनस जी कॉस बीटा। और यू वाई डैश कितना है, यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा, ये ना। सेम चीजें लिखना चालू कर देते हैं, वी वाई डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यू वाई डैश प्लस ए वाई डैश टी। तो यहाँ पे लिख दो, दैट इज यू साइन अल्फा माइनस जी कोस बीटा इनटू टी। ये आ गया, अब पता चल रहा है मैंने शुरू में जनरल क्यों पढ़ाया था तुमको, डायरेक्ट मैं प्रोजेक्टाइल से भी चालू कर देता केस बता करके, क्योंकि अब तुमको कैसे भी केस दे दे, तुमको अगर शुरू का एक लेक्चर अगर समझ में आ गया ना, पूरा प्रोजेक्टाइल समझ में आ गया, ऐसे मान के चलो। क्योंकि मैंने सब कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, मैंने वही चीजों को बस नए नए फॉर्मेट में लिखना सिखा है, बस कॉन्सेप्ट वही चल रहा है। ऐसे एस वाई डैश क्या लिखेंगे बताओ फटाफट, Yes. सही लिख रहा हूँ, yes, sir. Done? Yes, y dash आ गया।
और ऐसे ही मैं v y dash square equals to u y dash square plus 2a y dash s y dash लिख सकता हूँ. ये तीसरी क्वेश्चन आ गई. अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे क्या लिखना चाहिए? s y dash equal to 0. तो लगा दो यहाँ पे u sin alpha into t minus half g cos beta into t square implies t time of flight कितना आएगा? 2 u sin alpha upon g cos beta. क्या चेंज आया पुराने फॉर्मूले में और नए में? पुराने फॉर्मूले में और नए फॉर्मूले में क्या चेंज आया? सिर्फ cos beta से डिवाइड cos beta. पुराने फॉर्मूले में सिर्फ g था, इसमें g का कंपोनेंट है. हाँ, तो g cos beta क्या है? g cos beta है, it is the acceleration. ये acceleration है, नई direction है ना y dash, उसके along में. तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये acceleration ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ. बस एक्सेलरेशन था, वो अब उस डायरेक्शन में नहीं रहा, उसका कंपोनेंट आ गया. ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया. दूसरी चीज हम क्या निकालते थे? एच मैक्स. रेंज. अब एच मैक्स कहां से निकालना पड़ेगा? एच मैक्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ. एच मैक्स का मीनिंग यहां पे क्या है? इंक्लाइंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ. इंक्लाइंड सरफेस यहां से. तो इसका मतलब कोई इंक्लाइंड सरफेस है ना यहां से. Yes, new yeah. horizontal surface. This is h max. ये कैसे निकालेंगे? अब ये वाला y dash है और ये वाला x dash है. v dash को zero रखते तो v y dash को zero कर देंगे. zero हो जाएगा कहाँ पे? top most point of its trajectory. समझे? अब top most point of its trajectory होगा कि ये और कहीं पे भी हो सकता है. कहीं पे भी हो सकता है. तो टॉप मोस्ट पॉइंट तो ग्राउंड के हिसाब से कुछ अलग है. समझा ना? ग्राउंड के हिसाब से तो सपोज ये भी हो सकता है. समझ रहे हो? टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री विद रेस्पेक्ट टू न्यू इंक्लाइंड प्लेन या न्यू हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसके रेस्पेक्ट में बात करूं तो मैं बोलूंगा वी वाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई डैश स्क्वायर प्लस टू a y dash s y dash. यही तो देगा. ये हो जाएगा जीरो. ये हो जाएगा u sin alpha का होल स्क्वायर प्लस टू माइनस g cos beta into s y dash. की जगह मैं क्या लिखूंगा? h max. h max कितना आ जाएगा बताओ? h max आ जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर alpha upon 2 g cos beta. इसमें भी क्या चेंज आ गया? इसमें भी कितना चेंज आया? जी के कंपोनेंट. जी का कंपोनेंट आ गया. सिर्फ जी का कंपोनेंट आ गया. लिख लिए सबने? सर दो मिनट. सर मतलब क्वेश्चन में दिया होगा कि इसके इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में निकालना है या सर? हाँ वो सब दिया होगा. तो सब देना ही पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसे कैसे बता सकते हैं? सर ग्राउंड से एच मैक्स पूछ लिया था. ग्राउंड से एच मैक्स पूछा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या मान के चलोगे तुम? अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा. ग्राउंड से प्रोजेक्शन मान लो ना, तो इंक्लाइंड का ध्यान ही मत दो. अब ये देखो कि वो इंक्लाइंड सरफेस है, ये डिपेंड करता है कि वो इंक्लाइंड सरफेस पे टकरा रहा है. उससे पहले एच मैक्स आ गया, मतलब उससे पहले एच मैक्स आ गया या फिर उसके बाद में एच मैक्स आ रहा है, वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा. अगर बाद में आ रहा है एच मैक्स तो जहां पे वो टकरा रहा है वो ही एच मैक्स है इंक्लाइंड प्लेन को. और अगर पहले आ गया एच, कौन सा सर? आपने एच मैक्स के बाद जो बताया ना केसेस, वो समझ में नहीं आया. ये वाला
नहीं सर, आप बता रहे हो ना कि जैसे HMX पार्टिकल के नीचे गिरने से पहले आ गया, वो जो आप बता रहे थे वो समझ नहीं आया। इसमें क्या है कि ऐसा हो सकता है, सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, हमने ऐसे फेंका ये अल्फा और ये बीटा, तो ये जा करके ऐसे टकराया, ठीक। अब ग्राउंड के हिसाब से मैं देखूं तो HMX तो यहाँ पे आ गया, सपोज यहाँ पे HMX आ गया ये वाला, ठीक है, तो ये यहाँ पे भी नहीं है, इसको थोड़ा सा मैं बनाता हूँ, ये सपोज ये पॉइंट है, यहाँ पे HMX आ गया, तो पहले HMX आया कि टकराया ये? पहले HMX आया ना, तो इसका मतलब क्या है, आप जब सॉल्व करोगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, क्लियर। अगर मान लो ये तो केस वन हुआ, ये सब दिमाग लगाने पड़ते हैं ऐसे केसेस में, सपोज ऐसा वाला केस है, ये बीटा है, ठीक, और ये तो मैंने कम ले लिया, अगर मैंने ये एंगल ज्यादा ले लिया बीटा, और अल्फा ऐसे, तो ये आएगा ऐसे, ये इस केस में अगर, या फिर मैं थोड़ा नॉर्मली वैसा बनाऊं, रिवर्स बना दूं, रिवर्स बनाऊंगा तो उसमें पहले तुमको ये समझ में आ जाएगा, सपोज अपना ऐसा प्रोजेक्शन था, ठीक, और इंक्लाइन प्लेन ऐसा है कि ये पहले टकरा गए, HMX कहाँ पे आ रहा है, HMX यहाँ पे आ रहा है, और ये पहले ही टकरा गया यहाँ पे, ये अल्फा ये बीटा, इस केस में क्या करोगे, जहां पे ये टकराया, ये केस टू है, जहां पे ये टकराया वही क्या होगा, HMX। अब इसका, इसके लिए मैं अगर बताऊं तो HMX क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए HMX ही होगा, ये वाला पॉइंट जहां पे टकराया ना, इस क्वेश्चन के लिए HMX ये वाला होगा जहां पे ये टकरा रहे, तो अपने पास दो केस बन सकते हैं, ये पहले HMX आया कि पहले टकराया, अगर पहले HMX आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने को कुछ करना ही नहीं है, सिंपल जैसे करते आ रहे हैं वैसे कर लेंगे, और दूसरा क्या है कि HMX बाद में आ रहा है, मतलब बाद में यहाँ पे आ रहा है, बट वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा पार्टिकल, पहले टकरा जाएगा, तो जहां टकराया वही HMX है, समझे, ऐसे सिचुएशन बन सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, वो तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा, हम निकाल कैसे सकते हैं HMX, सिंपल निकाल लोगे ना, तुमको R पता चल गई है, तो HMX क्या होगा बताओ, R sin beta, समझे, इसका कंपोनेंट ले लोगे तो HMX ही होगा यहाँ से, यहाँ पे सर। अब इसमें तीसरी चीज, ये तो निकाल लिया हमने, तीसरी चीज क्या है, तीसरी है रेंज, रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, रेंज के लिए मुझे SX डैश लिखना पड़ेगा, तो वो कितना है, वो है U cos alpha into time of flight, time of flight कितना है, 2u sin alpha upon g cos beta, है कि नहीं, और plus half acceleration minus g sin beta into t square, मतलब 2u sin alpha upon g cos beta का whole square, सही है, ये r के बराबर होगा, चेक कर लो इसमें, कोई दिक्कत है किसी को, फटाफट चेक करो, जो अपना SX डैश का फॉर्मूला है उसी में मैंने रखा है, SX डैश का फॉर्मूला क्या है, UXT plus half AXT square, यस सर सही है, यस सर यही,
फर्दर इसको सॉल्व करो फटाफट, कितना आ रहा है तुम्हारा बताओ। सॉल्व कर सकते हो उसे? हाँ भाई सॉल्व कर सकते हो उसे? यस सर, ट्राई कर रहे। देखो 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा को हमने कॉमन ले लिया, चलो अंदर क्या बचेगा, u cos अल्फा, ठीक है। इधर इधर तो ये बच गया और इधर ये चला गया, तो ये 2 ऊपर बचेगा u, ये g sin बीटा अपॉन cos बीटा है, तो sin बीटा अपॉन cos बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा माइनस tan बीटा हो जाएगा, और एक है u sin अल्फा और बच रहा है, तो u sin अल्फा और ले लो, ये हो गया डन। वो दिक्कत इसमें तो इसको मैं ले सकता हूँ 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा का, ये हो गया। अब tan बीटा को भी एक काम करते हैं, वो जो एज इट इज था ना वैसे वैसे लिख लेते हैं, tan बीटा नहीं लिखते इसको, मैं इसको मैं लिख लेता हूँ u sin अल्फा है नहीं, और ऊपर क्या है, ऊपर है साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और एक यू कॉमन नहीं निकल जाएगा? हाँ ले लिया ना, अभी नेक्स्ट स्टेप में मैंने यू कॉमन ले लिया, यू स्क्वायर कर दिया, तो मैं लिख सकता हूँ कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसका फॉर्मूला है याद करो, cos अल्फा प्लस cos बीटा, cos अल्फा प्लस 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 बीटा का फॉर्मूला है, सही है। तो ये हो जाएगा 2 u स्क्वायर sin अल्फा अपॉन g cos स्क्वायर बीटा इनटू cos अल्फा प्लस, ये रेंज आ गई, ये फॉर्मूला अपने को याद करना पड़ेगा, देख लो इसमें कोई दिक्कत हो। हाँ बोलो सर, ये रेंज कौन से केस के लिए निकाली है? ये रेंज इस केस के लिए निकाली है ना, हम एक ही तो केस पढ़ रहे हैं आज, ये वाला सर, एक मिनट, ये वाला रेंज है, ये वाली रेंज, समझे? ये केस चल रहा है अपना अप द इंक्लाइंड प्लेन, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन तो अभी पढ़ा ही नहीं हमने। तो सर हमने पी की वैल्यू ही सिर्फ इंसर्ट की है ना इसमें, जो टाइम ऑफ लाइट आई है ना वो हमने इस इक्वेशन में इंसर्ट की है। हाँ सर समझ में आया, इसमें एस एक्स डैश, इसलिए बोल रहा हूँ लिखते जाओ फटाफट, लिखते रहोगे तो चीजें बैलेंस में रहेंगी। हो गया, हमने टाइम ऑफ लाइन ने टाइम ऑफ लाइन निकाल लिया रेंज। हाँ हो गया हो गया हो गया सर। यस हाँ सही, हर एक केस में वैलिड है भाई, केस ही एक है तो हर केस कैसे थोड़ी आ सकता है, ये खुद ही एक केस है तो हर केस में कैसे, एक केस अपने आप में कैसे हर केस में वैलिड हो सकता है, ये खुद एक केस है। अब मैं देखो दोबारा करूंगा कुछ तो नया केस बन जाएगा, मान लो प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, अगर मैं ये बना दिया तो ये एक नया केस बन गया, तो ऐसे खुद ही केस था वो। इसमें देखो ये बीटा, अब सपोज मैं ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये एंगल क्या है अल्फा, यू स्पीड से ये आएगा ऐसे, सॉरी ये ऐसे आएगा और ऐसे गिरा, इसकी रेंज है ये, होगी कि नहीं, तो ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन आ गया। तो इस केस में क्या करोगे,
इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी नीचे की तरफ ही है. ओके चीजें क्या चेंज हो रही हैं, ये नया वाई डैश और ये नया एक्स डैश. कोई दिक्कत इसमें? अब ये एंगल बीटा है सर, एक्स के सारे कंपोनेंट जो होंगे वो नेगेटिव में होंगे. क्या यहाँ पे ये देखो, ये नेगेटिव वाई डैश हो गया और ये नेगेटिव एक्स डैश हो गया. कोई दिक्कत इसमें? अब नेगेटिव वाई डैश के अलोंग में कंपोनेंट क्या आएगा ये बताओ जी का. ये एंगल कितना आएगा बताओ? ये एंगल अगर बीटा है, ये एंगल 90 माइनस बीटा हो जाएगा और ये एंगल कितना बचेगा? बीटा बचेगा. तो ये कंपोनेंट हो जाएगा जी कोस बीटा और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में? जी साइन बीटा. तो मैं यहाँ पे पूछूं कि ए एक्स डैश और ए वाई डैश वो क्या होंगे बताओ. माइनस जी साइन बीटा एक्स डैश जी साइन बीटा जी साइन बीटा एंड माइनस जी कॉस बीटा जी कॉस बीटा. समझ गए? डायरेक्शन देखो बेटा, हमने एक्स डैश नीचे ही माना है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग करो, रटा रटाया रह जाएगा. इसलिए मैं बोलता हूँ कभी कोई चीज रटने की कोशिश मत करना. ये फिजिक्स है, समझोगे तो बहुत आसान है, नहीं समझोगे रटने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज ही कंफ्यूज होते हो. सर ये क्या था, वो क्या था, ये क्या कर दिया, मैंने तो ऐसे किया था, मेरा सही आना चाहिए था बट आंसर नहीं है, वो सब ऐसे 2 साल ये कन्फ्यूजन में जीते रहोगे. मेन चीज है तुम फिजिक्स है, फिजिक्स मतलब नेचर ऑफ लॉ है या फिर स्टडी जो हम नेचर की स्टडी है ना वही है पूरी की पूरी. तो उसको हम अपने नजरिए से हम जो देख रहे हैं ना चीजों को वैसे ही इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करो और चीजें है ना हर एक इंस्टेंट पे क्लियर होनी चाहिए. हमने ऐसा क्यों किया, इससे क्या मिलता है और कैसे करें. तो हाउ वाई और व्हाट, तीन चीजों का है ना आपके आंसर हमेशा क्लियर होनी चाहिए. जब भी तुम फिजिक्स क्लियर हो जाएगी तुम्हें. सर एक्स डैश ऊपर की डायरेक्शन में होगा तो वो पॉजिटिव एक्स डैश नहीं लेंगे, उसे तो नेगेटिव लिया सर. मैंने नीचे वाले को पॉजिटिव ले लिया ना तो ऊपर वाला नेगेटिव हो गया. अच्छा मेरी मर्जी, मैं कैसे मिलूं समझना, मैं ऊपर जा ही नहीं रहा ना तो उसको माइनस पटक दिया, नीचे जा रहा हूँ तो नीचे को पॉजिटिव ले लिया. साइन कन्वेंशन तो मैं चूज कर सकता हूँ ना अपने हिसाब से, इतनी फ्रीडम तो मेरे पास में है. बट ये इतना ध्यान रखना कि जब तुमने जो चीज चूज की है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें होनी चाहिए. समझ में? अभी यहाँ पे इसका यू के कंपोनेंट लेंगे तो ये यू के कंपोनेंट कितने आएंगे बताओ. यू का ये ऊपर वाला कंपोनेंट कितना आएगा? यू साइन अल्फा और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? U cos अल्फा. समझ रहे हो? अगर मैं नीचे की डायरेक्शन को माइनस ले लेता तो माइनस U cos अल्फा आ जाता हो, ऑटोमेटिकली चीजें एक्सेलरेशन भी माइनस G sin बीटा, एक्सेलरेशन भी माइनस आ जाता अगर मैं नीचे का ले लूंगा. गलती नहीं है वो, तुम नीचे का अगर माइनस लो तो भी गलत नहीं है. मैं तो बस तुमको कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमको पता चले कि हाँ भाई ऐसा भी कर सकते हैं हम. एक ट्रेडिशनल वे में नहीं जा करके हम अपने हिसाब से चीजों को लिख सकते हैं, मजा तभी आएगा ना पढ़ने का. तो अब आ गई देखो वही पुरानी चीजें. पहला अलोंग एक्स डैश डायरेक्शन सब लोग खुद से लिखेंगे जो चीजें हमने सेम लिखी थी वहां पे. और दूसरा वाला पेज पे सेकंड है अलोंग वाई डैश डायरेक्शन. सब लोग जो सेम चीजें जो हमने वहां पे लिखी थी यहाँ पे भी लिखनी है अपने को. तीनों इक्वेशन लिखो फटाफट. एक बार इससे पहले वाली स्लाइड दिखाना प्लीज. हाँ
एक डाउट है। हाँ बोलो। ये जो अल्फा एंगल है ना वो हम हाँ. जब बड़ा दे तो ये इंक्लाइन पूरा पास कर जाएगा ना, बड़ा ले अल्फा एंगल। हाँ ये अल्फा एंगल है ना तो वो हाँ. बड़ा ले हम तो ये पूरा इंक्लाइन ही पास कर जाएगा ना सर। हम मान के चल रहे हैं कि इंक्लाइंड प्लेन इज सफिशिएंटली लॉन्ग, ठीक है, वो खत्म नहीं होने वाला है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। वी आर अज्यूमिंग, लिख लो, वी आर अज्यूमिंग दैट इंक्लाइंड प्लेन इज सफिशिएंटली लॉन्ग, समझ गए, बस हो गया काम। चलो एक्स डैश और वाई डैश लिख दो फटाफट। ए एक्स डैश कितना है और यू एक्स डैश कितना है? ए एक्स डैश जी साइन बीटा और यू एक्स डैश यू कॉस अल्फा। तो वी एक्स डैश कितना होगा और एस एक्स डैश कितना होगा? V x dash equals to u cos alpha plus g sin beta into t. ठीक है सबका। S x dash बताओ। S x dash equals to u cos alpha into t plus half g sin beta into t square. T square. ठीक है, कोई दिक्कत? वी एक्स डैश स्क्वायर उधर जी लिखना रह गया आपका, ठीक है। ये बताओ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस टू जी साइन बीटा इनटू एस एक्स डैश। सारे क्वेश्चन लिख दिया हमने, जो जो चाहिए वो लिख लेंगे, वो दिक्कत सब लोग लिख लो इसको फटाफट। हाँ वाई डायरेक्शन में बताते जाओ। ए वाई डैश इक्वल टू माइनस जी कॉस बीटा टू माइनस जी कॉस बीटा यू वाई डैश इक्वल टू यू वाई डैश बोलो ठीक है, यहाँ पे रखोगे तो यू साइन अल्फा स्क्वायर यू साइन अल्फा होल स्क्वायर प्लस टू इनटू माइनस जी कॉस बीटा इनटू एस वाई डैश। डन। अब यहाँ से तुम तीनों चीज निकाल लो, तीन चीज कौन कौन सी? पहला टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, सबका आ रहा है टाइम ऑफ लाइट? सेकंड बताओ एच मैक्स। फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन वो कितना आ रहा है बोलो? वही सेम आएगा u square sin alpha by g cos beta।
थर्ड रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन. सर वो तो निकल दी ना, मतलब सिंपलीफाइड करके वो भी सॉल्व करो. सॉल्व फटाफट सॉल्व करो. सर 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा. सर अल्फा माइनस बीटा आ रहा है, बीटा माइनस अल्फा. अल्फा माइनस बीटा सर h max u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन g cos बीटा 2g cos बीटा नहीं होगा. हां 2g cos बीटा. ठीक है, सिर्फ एक चीज चेंज हुई है रेंज, बाकी सब एज इट इज सेम आ रहा है. ओके, कोई दिक्कत इसमें? हाँ भाई. नो सर. नो सर. चलो प्रैक्टिस के लिए तुमको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं. क्वेश्चन है कि अगर मैं अल्फा इक्वल्स टू तुमको दे रहा हूँ अल्फा इक्वल्स टू सपोज ये देते हैं 37 डिग्री एंड बीटा इक्वल्स टू आल्सो 37. ठीक है, यू इक्वल्स टू सर इन दे इन दिस केस अल्फा इज द एंगल ऑफ बिटवीन इंक्लाइन एंड द ग्राउंड. हाँ वो ही अपना जो पूरा ही है ना पुराना, मतलब केस में जो अल्फा बीटा यू ये सब है ना, ये सब अपने रेस्पेक्टिव मीनिंग्स रखते हैं जैसा हमने केस बताया उसके हिसाब से. तो अल्फा बीटा यू दे दिया, जी दे दिया, आपको पूछा है क्वेश्चन में हो सकता है कुछ, वो तो फिगर में देखना पड़ेगा या क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा, वो अपने हिसाब से मेंशन करेगा. हो सकता है वो आपको ग्राउंड से दे दे, तो ग्राउंड से दे देगा तो बीटा माइनस कर देना. मेंशन ना किया हो तो ऐसा आएगा ही नहीं ना क्वेश्चन, तो पूरा लैंग्वेज आएगी, पूरी लैंग्वेज लिखी होगी उसमें. फाइंड दी फॉलोइंग्स फॉर टू केसेस. पहला केस कौन सा है? केस वन अप द इंक्लाइन, मतलब प्रोजेक्शन अप द इंक्लाइन. सेकेंड प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन. ठीक है, पहला हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड एच मैक्स फ्रॉम इंक्लाइंड, थर्ड रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन. ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. तीनों ही छह हो गए, नहीं समझ गए? हाँ भाई समझ गए ना? यस सर. 1.5. ठीक है, तो सॉल्व करना, नेक्स्ट टाइम पे हम इसको डिस्कशन करेंगे. ओके, शीट में भी तुम इंक्लाइन प्लेन का है ना प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, वो पढ़ लेना एक बार पूरा, सो दैट हम अच्छे से उसको कंटिन्यू कर पाएंगे नेक्स्ट. अच्छा ये एक बात बताओ मेरे को, जिसने रिकॉर्ड किया है ना, ओके हेलो. हाँ सर. हाँ, जिसने रिकॉर्ड किया है वो मेरे को सेंड कर देगा लिंक अपने, कैसे शेयर करेगा? व्हाट्सएप पे तो ज्यादा देख लेना कितने डेटा है उसका. अगर डेटा ज्यादा है तो नॉर्मली जो गूगल ड्राइव पे शेयर करके मेरे को लिंक